हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका वीरेन के व्लॉग्स में। आज दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे एक्साइटमेंट का रीज़न सिर्फ एक है, वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल्स। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये मैच बहुत टफ जाने वाला है। दोनों साइड से लोग जम के खेलने वाले हैं। जीतेगा कौन ये ऑब्वियसली निर्भर करता है कि कौन सबसे बेस्ट है। चाहता तो मैं बस यही हूँ कि इंडिया ही जीते। प्रे भी मैं वही करूँगा कि आज इंडिया ही जीते और आज कुछ चमत्कार हो जाए और ट्रॉफी अपने हाथ में हो जाए। तो आज के वर्ल्ड कप के लिए हमने काफ़ी कुछ अरेंजमेंट कर रखे हैं। तो मेरे सारे दोस्त लोग तो लगे पड़े हैं अरेंजमेंट करने पे और देखते हैं। मैं भी थोड़ी देर में खाना खा के जाता हूँ, उनसे देखता हूँ क्या अरेंजमेंट है, किस तरीके से कर रहा है। आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा बिकॉज प्रोजेक्टर है, प्लस हम लोग पर्दे लगाने वाले हैं ताकि उसमें जो स्क्रीन बने हमारा उसमें तो अच्छे से प्रोजेक्ट हो, तो मज़ा आने वाला है। वहाँ पे आराध्या सानवी की कमी पूरी कर रही है, पूरे सामान को तहस नहस करके। अब सानवी होती तो सानवी और जिनसे दोनों ने मिलकर ये करना था काम। सौरभ उसको संभाल रहा है। आज एक्साइटेड है कि नहीं? ओ भाई, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया कौन लगता है कौन जीतेगा आज? चलो वोट करते हैं दोस्तों, कौन जीतेगा? मम्मा पुपू तू बता, तू ऑब्वियसली मैं भी इंडिया ही चाहता हूँ। इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। दोस्तों वर्ल्ड कप के एंड पे इंडिया जैसी ट्रॉफी घर लेके आएगी, हम लोग पार्टी करेंगे आज, ठीक है? ठीक है, पार्टी करेंगे आज। आज वैसे सानवी और काजल भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, लंच करने के बाद आएंगे, तो सब लोग रहेंगे, बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, मजा आएगा दोस्तों। आज मम्मी ने दोस्तों बनाया है भट्टे की सब्जी का साग बनाया मम्मी ने, तो पसंद है। अगेन सब जो भी बन रहा है सब फूफू के पसंद का ही बन रहा है, क्योंकि कल मैंने चिकन नहीं खाया, इसके लिए मम्मी ने कुछ मेरे लिए चिकन बचा के रखा हुआ है, तो मैं चिकन और राइस खाऊंगा। तो दोस्तों मैं जल्दी से अपना लंच स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज मेरे लंच में है चिकन करी और राइस। तो हम लोग अभी क्लब हाउस की ओर जा रहे हैं। चारों तरफ मैच का ही कॉमेंट्री का ही आवाज़ आ रहा है और फिलहाल रोहित शर्मा और गिल स्ट्राइक पे है, तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है। क्या बोलते हैं सौरभ, डर लग रहा है ना? पर खेलनी चाहिए सब लोग। मेरे ख्याल से मेरे सारे दोस्त आ चुके हैं वहाँ पे। तो दोस्तों प्रोजेक्टर भी लग चुका है और यहाँ पे हमारा मैच चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ और सबके चहेते विराट कोहली स्ट्राइक पे आ गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। गिल अय्यर और रोहित शर्मा के बड़े विकेट जाने के बाद टीम इंडिया थोड़ी सी स्लो हो गई है, क्योंकि स्कोर ऑब्वियसली विकेट संभालने हैं, स्कोर बढ़ाना है, तो बहुत इंटेंस मैच चालू हुआ। तो मैच तो चल ही रहा है दोस्तों, मैंने सोचा 7-11 से कुछ स्नैक्स उठा लूँ, तो हमने स्नैक्स उठा लिया अपने लिए। तो हमारी सानवी भी आ चुकी है, काजल का मेरे को कॉल आया तो मैं उसको लेने आ जाऊँ। ससुर जी भी आए? ससुर जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बाबू, तबियत पानी? कौन है अंदर? अच्छा आयुष है, बाकी सब बढ़िया? शानू, 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 हेलो शानू। लगता पा देने आ रही है वो। इसलिए रो रही है क्योंकि आराध्या को गोद में लिया है, उसको भी अपनी मम्मी को गोद में आना है। इंडिया का दोस्तों स्कोर काफ़ी कम है, 240 है। एक्सपेक्ट किया था मैंने फाइनल बहुत टफ होने वाले हैं, बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कम स्कोर बनेगा। एटलीस्ट 300 एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। लेट्स होप कि हमारा जो बॉलिंग साइड है वो जिस तरीके से स्ट्रांग होता आया है वैसी स्ट्रांग रहे और 2x एफर्ट डाल के ट्रॉफी घर लेके आ जाए। तीसरे विकेट के बाद थोड़ा सा हमें जोश आया है, थोड़े पॉजिटिव है हम लोग, तो देखते क्या होता है। आउट बॉल साले, आउट बॉल।
भाई। बच्चे लोग साथ तो बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। तो बहुत एंटिसिपेट किया था हमने कि इंडिया जीतेगी, बहुत ज़्यादा दुख। एक्चुअली सब लोग दुखी है कि वर्ल्ड कप इस बार घर पर नहीं आ रहा है, पर इंडिया ने अच्छा फाइट किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा फाइट किया। पर जैसा कि आपसे कहा, विनर एक बेस्ट होता है, इस बार बेस्ट ऑस्ट्रेलिया निकल गई। कोई बात नहीं, आई होप नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो होगा वो हमारे हाथ में होगा, तो नो प्रॉब्लम, होता रहता है, खेल में हार जीत होती रहती है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलियन टीम एंड इंडियन टीम, इट्स ओके, यू प्लेड रियली वेल। इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए सी या।